सोचते ही A1 मजा आ गया जबरदस्त बिल्कुल। वाह यार क्या लोकेशन है, क्या ब्यूटी है यार, क्या नजारे हैं, अल्टीमेट। तो दोस्तों कैसे हो भाई, भाई स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। और भाई आज को आज के लिए मतलब जगह तो ये वही है जहाँ हम पहली बार बाइक से आए थे और यहाँ से थे फ्यूल अप करवाया था हमने और फिर निकले थे हम मनाली के लिए, सॉरी मंसूरी के लिए। सो मंसूरी आज फिर से जा रहे हैं, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ भाई अपने ऑफिस वालों के साथ। सो ये रही अपनी ट्रैवलर, आज फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस ये रहने वाला है कि मैं ट्रैवलर से ट्रैवल करें, मैंने आज मतलब अपनी लाइफ में मतलब पहली बार ट्रैवलर से ट्रैवल किया है। सो देखते हैं मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है, कैसा नहीं, और कैसी वीडियो आने वाली है, देखना भाई फुल। बाकी मज़ा आ जाएगा, जहाँ हम हो वहाँ एंजॉयमेंट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सो फुल मज़े करेंगे, ठीक है, तो बने रहना हमारे साथ। पूरा हाईवे का स्ट्रेच भाई, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस वो भी ट्रैवलर में, मज़ा नहीं आया मेरे को अभी तक। बहुत कंजेस्टेड एरिया हो जाता है यार इसके अंदर, ट्रैवलर के अंदर, और सीट भी इतनी कुछ खास कंफर्टेबल नहीं लगी मेरे को। बाइक का सफर ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे अच्छा तो भाई बहुत मच बेटर हो रही है हमारे भैया जी, क्या हाल है? ओ बढ़िया भाई साहब, ये उम्र है भाई, बाइक इससे ने दी थी मैं चाय पानी के लिए रुके हैं भाई, फिर चलते हैं। अभी तो शुरुआत ही है, सही बात है, अभी तो थोड़ा ही टाइम गया, बहुत टाइम बाकी है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है, वहाँ तक कैसे मुंह हो जाते हैं सबके वो देखते हैं। अभी तो चेहरे फिलहाल लिए हम आपके, अभी तो चेहरे वहाँ जाके देखते हैं क्या होगा। पहाड़ों में एक्सीडेंट सिर्फ दो तरीके के होते हैं, या तो हमने सामने टकराता है या फिर भाई सामने ग्रिल्स के अंदर टकराती है गाड़ी जाके, तो ये लोरिटी का टकरा रखी है, इसका तो आगे वाला नक्शा ही बिगाड़ दिया। इसीलिए मैं बाइक को प्रेफर करता हूँ हर बार, ये बहुत इतना ज़बरदस्त जाम, डेढ़ घंटे से पिछले यहीं से यहीं पर खड़े हैं और अब जाके थोड़ा सा खुला जाके उम्मीद है कि ये आगे चलेगा। चलो अब लिया हुआ डी सो भाई अगेन फिर यहाँ पे मतलब मैं वही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर बाइक होती तो क्या करते यहीं से जाते, अब बाइक नहीं है तो रूट डाइवर्ट होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से होके जाएंगे, कुछ नहीं पता। और बाकी अभी हमारे टेम्पो वाले भैया भी मना कर रहे हैं, बोल रहे उस रूट से मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो अप्रोच रोड है। सो देखते हैं भाई अभी आगे क्या अपडेट है क्या नहीं, अब तक तो यहीं पे खड़े हो चुके हैं, रुक चुके हैं यहीं पे मेरे भाई ठंडा भी। तो टेम्पो वाला मना कर रहा, टेम्पो वाला मना कर रहा जाने के लिए, टेम्पो वाले को थोड़े से पैसे थोड़े ज्यादा दे दो, टेम्पो वाला जहाँ से जाएगा पुलिस वालों के पैर के ऊपर से उतार के लिए, अब इसको मना रहे हैं भाई। अभी टेम्पो ट्रेवलर वालों को बोलेंगे कि थोड़ा सा 3-4-5 किलोमीटर यहाँ से पीछे जाके एक अनार वाला और वो चौक है कोई, वहाँ से फिर सीधा मनाली के लिए जाता है रास्ता, तो देखते हैं अभी के लिए इसको बोलते हैं कि भाई चलना तो पड़ेगा अब। वो वहाँ पर क्या कहते हैं टपकेश्वर वाला मंदिर ना, एक बार पूछ लेना आप जो अनार वाला ना पानी का चौक है ना, अभी के लिए अनार वाला रोड से पहुँच बोल रहे हैं, अनार वाला रोड कौन सा है, चलो भाई देखते हैं जाके एक बार, टोल के पैसे दे हमारे सर, बाय 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 बाय। पहुँचो तुम रोहतक जा रहे हो ना, पहुँचो फिर
रुद्र जाओगा? मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, वहाँ गंगा जी में नहाएंगे पहले, फिर चलते हैं। देखे देखे गंगा जी तेरे लिए जगह ले और आजकल घना लेके जान ला रही है अपना घर भी भैया। ट्रैवलर में बैठा बैठा मैंने इतना बोर हो गया मेरे को मज़ा नहीं आया अब तक ट्रैवलर के अंदर ट्रैवल करते हुए। बाइक से ही मज़ा आता है या फिर खुद ही गाड़ी से। नेक्स्ट टाइम आई डोंट थिंक जो कि मैं ट्रैवलर से आने वाला हूँ। और ये दोस्त हर जगह मिल जाते हैं बेचारे। बाकी अभी मैं आपको बता दूँ कि मंसूरी रह गया पीछे, हम मंसूरी से आगे धनोल्टी निकल आए हैं। और जो हमारा वो होटल है ना भाई, A1 प्रॉपर्टी है, बहुत ज़बरदस्त है, फोटोज़ के अंदर हमने देखा था। अब रियलिटी में कैसा है वो जाके देखने वाले हैं, सो बने रहना हमारे साथ। लिखा हुआ भाई ग्राम पंचायत चल चला है, आपका हार्दिक स्वागत करता है। चलो भाई पैदल चलते हैं यहाँ से। अब सुबह मॉर्निंग में निकले थे 5 बजे और अभी 5 बजे ही पहुंच गए, 5:30 बजे। हाँ कुल मिला के हमें लग गए 12 घंटे। और 12 घंटे में जो लेनी हुई है ना ट्रैवलर के अंदर हमारी, भाई कसम से हाथ धोगी भाई, मैं दोबारा ट्रैवलर के अंदर ट्रैवल नहीं करने वाला। अब कभी ट्रिप पे जाऊंगा अपनी बाइक लेके निकल जाऊँ। और भाई खैर समस्या ये हुई हमारे साथ कि पहले देख तो वो रास्ता टूटा मिल गया, तो इसलिए हमें पूरा वो एरिया लोकल रूट से आना पड़ा और वो हाथी पांव वगैरह से होते हुए फिर पहुंचे हम मसूरी। और मसूरी से भी आगे आगे था ये विला, सो इसलिए हम फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया हमें, नहीं तो मेरे ख्याल से करीबन हम 3-3:30 बजे तक पहुँच जाते आराम से। बट 2-3 घंटे हमारे उसमें वेस्ट हो गए। अभी के लिए चल रहे देखो सारे जोगिंदर भी आ गया पीछे पीछे भाई। भाई जोगिंदर ने पहाड़ों की ये बात तो माननी पड़ेगी कि मतलब बारिश के टाइम पे इतनी ग्रीनरी हो जाती, इतने प्यारे लगते बेहद। और ये देखा नीचे बादल नीचे रह गए और ग्रीनरी भाई बहुत प्यारी लग रही है, रियलिटी में बहुत प्यारी लग रही है। क्या करूँ, इनकरेक्ट पासवर्ड भाई, पहले तो वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा, एक बार तो पहले वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी के लिए पहुँच गए भाई प्रॉपर्टी पे और ये है सोल स्टोरेज लग्जरी विला एंड रिजॉर्ट मसूरी। भाई क्या अल्टीमेट लोकेशन है भाई, ज़बरदस्त, पहुँचते ही A1 मज़ा आ गया, ज़बरदस्त बिल्कुल। वाह यार क्या लोकेशन है, क्या ब्यूटी है यहाँ की, क्या नज़ारे हैं अल्टीमेट। एंड बाकी अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि खाना वगैरह खा लिया भाई, अभी आते ही खा लिया था, अभी मिला है और टाइम हुआ है 6:30 पे। अभी एक बार रूम में सामान रख लेते हैं और फिर देखते हैं शाम को पार्टी का क्या कुछ प्रोग्राम रहता है क्या नहीं। और ये देखो लोकेशन अल्टीमेट है भाई, मज़ा आ गया लोकेशन में तो आ गए। और अभी के लिए रूम पता नहीं कौन सा लोट, एक बार देख लेते हैं। बाकी सभी रूम में जा चुके हैं, मैं ही रहता हूँ, मैंने सब सेलेट खाया ना इसलिए। सो नीचे यहीं से जाना पड़ेगा क्या, यहीं से जाना पड़ेगा। ओके सो आपको रास्ता दिखाता हूँ, पहले रास्ता देखो आप। ये लो भाई ये है वो प्रॉपर्टी, मैंने बताया तो था आपको कि भाई बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है,
जबरदस्त लाजवाब, और क्या साउंड, हल्का हल्का टिप टिप टू टू। मेरे ख्याल से हमारा कॉटेज ये है, ये वाला रूम है हमारे वाला, और बाकी सभी को लौट हो चुके हैं, वो भी ये भी ये भी, हाँ यही है हमारे वाला। और एक खास बात दिखाऊंगा आपको, ये देखो पहले प्रॉपर्टी का तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले एक बार रूम में रख लेते हैं सामान। भाई लाजवाब अल्टीमेट, बहुत सुंदर है भाई प्रॉपर्टी। वाओ कहाँ है बज रहा है स्पीकर, अच्छा इसके अंदर लगा रखा है स्पीकर, तभी तो ये आवाज आ रही है। भाई क्या साउंड, मतलब धीरे धीरे हल्का हल्का पूरा एनवायरमेंट सा बना रखा है। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया बिल्कुल, लाजवाब अल्टीमेट। यहाँ आके फाइनली संतुष्टि मिली, बाकी सफ़र में तंग हो गए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वो कहते हैं ना कि सफ़र के बाद जब भी मंजिलें पहुँचते हो तो एक अल्टीमेट ही नज़ारा होता है, मतलब वही मन लगता है जाने के बाद। सो ये है हमारा रूम, रूम में घुसते ही सबसे पहले ओ वाओ नाइस, यहाँ से ये व्यू वाह अल्टीमेट। और इस साइड पे टीवी, बैठ के देखना है तो आराम से टीवी देखो, एक बेड यहाँ पे और सर एक बेड यहाँ पे, बाकी एक चार बंदे कैसे सोएंगे फिर इसमें, दो बेड पे, हाँ दो बेड पे सो जाए, बड़ा सो जाएगा, तीन अच्छा एक सोफे पे सो जाएगा। तो अब हमें क्या लोड करोगे, सोफा या बेड, बताओ बताओ है। नहीं नहीं आप परेशान हो जाओगे, हम लेट जाएंगे सोफे पे, कब्जा हो गया ना टीवी ना, हाँ ये टीवी था ऐसा कब्जा, पक्की टीवी देखना टाइम कोड़े मिलेगा, पर टीवी तो है पार्टी पार्टी में रहेंगे 9 बजे ही पार्टी है, लगभग 12-1 बजे तक पार्टी चलेगी आराम से, तो 2 तो पार्टी में ही बच जाएंगे। ओके वॉशरूम दिखाते हैं आपको अल्टीमेट, ये राजा वाली चेयर, अच्छा ये बाहर का व्यू, ओके ये भी दिखाई देते, सामान वगैरह बाद में रखेंगे। वाह भाई वाह, शांति कितनी है, पीस कितना यहाँ पे, सुकून ओफ अल्टीमेट, जबरदस्त लाजवाब। दोस्तों भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपनी लोकेशन पे, ये लोकेशन है धनोल्टी के अंदर है, धनोल्टी के अंदर है, A1 प्रॉपर्टी है, जबरदस्त लाजवाब मजा आ गया, सोल स्टोरीज के नाम से है भाई, एक बार चेक करो आप ये देखो, मतलब इंटीरियर इतना प्यारा है इसका, तो एक्सटीरियर कितना प्यारा होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले एक बार हमारे पूरे राइड की बता देता हूँ भाई, हमारा ओवरऑल ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा, कंपनी के साथ मेरा ये फर्स्ट टाइम था, और डेफिनेटली जो गाड़ी में रहा थोड़ा सा परेशानी हो जाती है सफ़र में, लेकिन वो बोलते हैं ना कि अगर सफ़र में परेशानी ना हो ना तो मंजिल पे जाने के बाद फिर मज़ा नहीं आता, तो डेफिनेटली जो वहाँ परेशान हुए लेकिन फिर यहाँ आनंद मज़ा आ गया, कुल एक वर्ड में बोलूँ ना जबरदस्त। और अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ, वो देखना और कैसे लग रहे हैं भाई आप वो बता दो, ठीक है चलो आप बाहर दिखाते हैं। सो दोस्तों आई हेयर वी आर, अभी प्रॉपर रेडी हो चुके हैं, टी शर्ट चेंज कर ली, नहा लिए प्रॉपर तरीके से रेडी हो लिए, और अब बारी है
सबके साथ पार्टी अटेंड करने की। सो जबरदस्त पार्टी होने वाली है, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। बने रहना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। यूं मत समझना कि वीडियो एंड होगी, अभी नहीं, सोते टाइम एंड होगी, तब तक के लिए बने रहो। सो यहाँ सबकी पार्टी स्टार्ट हो चुकी है, और जैसे कि हम नहीं पीते भाई, तो यहाँ चल रही है अल्कोहलिक पार्टी, और हम हैं नॉन अल्कोहलिक। क्या चीज़? फोटो वीडियो अभी ले लेते हैं मैडम। आफ्टर पार्टी, खाना वाना खाने के बाद अब फाइनली टाइम हो जाता है सोने का। कमरे में जाएंगे और फटाफट से सो जाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया। सुबह उठना भी है, घूमना भी, और फिर घर भी जाना है। तो ऑलरेडी आपको रास्ता पता ही है कि पहले भी 12 घंटे लगे आने में, सुबह तक का टाइम लग सकता है। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि जल्दी सो जाए और जल्दी फिर उठ जाए। बाकी हालांकि लिए अभी टाइम जो हो चुका है 11:30 टाइम हो गया। सो खाना वाना खा लिया सभी ने, और बस कमरे में जाने की देर है, और जाके सोने की देर है।